फ्री फायर में एक ऐसी गन भी पाई जाती है जिसका नाम है UMP। बहुत ज्यादा रिकॉइल करती है, बहुत दिक्कत होती है चलाने में, बट क्या आपको पता है अगर आपने इसको बिल्कुल अच्छे से चलाना सीख लिया ना, तो कसम से बता रहा हूँ इससे बेस्ट गन आपको पूरे फ्री फायर में देखने को नहीं मिलेगी। हेडशॉट ऐसा मारती है जैसे मक्खन, ओनली रेड रेड रेड। लेकिन उसके लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ेगा और बनना पड़ेगा UMP का किंग। ऐसे नॉर्मल किंग नहीं, UMP का हेडशॉट किंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 4 टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें फॉलो करने के बाद जो आपका हेडशॉट रेट है वो हो जाएगा 90% से भी ऊपर। नहीं सच में मैं मजाक नहीं कर रहा, आज तक का ये वीडियो मेरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो होने वाला है, तो प्लीज इससे मिस मत करना। हमारा जो टिप नंबर 1 है वो है रिकॉइल कंट्रोल। देखो रिकॉइल को कंट्रोल करने के लिए आपको पहले बहुत सारी चीजों को अपने वश में करना पड़ता है, अपने अंडर, अपने कंट्रोल में करना पड़ता है। मेन बात जैसे कि आपको सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को फायर फर्स्ट करने से। अगर एनिमी पहले फायर करता है तो वो स्ट्रेट खड़ा हो जाता है, एंड वहां पे जब आप UMP से फायर करोगे तो आपका गन रिकॉइल नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप एक उड़ते पंछी को पत्थर मारोगे तो आप उसको नहीं मार पाओगे, लेकिन अगर वो पंछी बैठा हुआ है तो आप मारोगे इजीली। देखो पंछी को पत्थर मत मारना, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं। इसी प्रकार अगर एनिमी दौड़ रहा है रनिंग में तो आपका गन जो है वो रिकॉइल करेगा, उसका गोली इधर उधर जाएगा, बट वहीं पे अगर आप फायर करोगे एक खड़े वाले, एक सिंपल जो स्ट्रेट खड़ा है उस एनिमी पे, तो आपका जो गोली है वो बिल्कुल सीधा जाएगा, हल्का सा ट्रैक करोगे इजीली हेडशॉट लगेगा। सेकंड थिंग, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 5 से 6 गोली एक बार में फायर करना है। उससे ज्यादा अगर आप फायर करोगे, लगातार फायर करोगे 10, 15, 20, 30 गोली, तो क्या होगा आपका गन बहुत ज्यादा रिकॉइल करेगा। आपको सिर्फ 5 से 6 गोली फायर करना है, ट्रैक करना है। एनिमी पे हेड लगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो आपको रुक जाना है, 5-6 गोली मार के आपको रुक जाना है, देन दोबारा जंप करके या फिर थोड़ा सा चल के कुछ भी कर लो एंड फिर से फायर करना है। लेकिन 5-6 गोली से ज्यादा फायर नहीं करना है, वरना आपका गन बहुत ज्यादा रिकॉइल होगा। इन दो चीजों पे कंट्रोल करके हम अपने जो रिकॉइल है UMP के रिकॉइल को कंट्रोल इजीली कर सकते हैं। आज का ये वीडियो बाकी वीडियो से बहुत अलग होने वाला है, कुछ ऐसी चीजें भी आपको पता चलने वाली है जो आपको आज से पहले नहीं पता थी। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। बढ़ते हमारे टिप नंबर 2 की ओर, जो की है फायर टेक्निक। देखो फायर करने का भी एक टेक्निक होता है। अगर आप बिल्कुल लॉन्ग रेंज में, वैसे UMP लॉन्ग रेंज में तो चलता नहीं, अगर आप मिड रेंज में हो या फिर शॉर्ट रेंज में हो, दोनों में फायर करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आप मिड रेंज में हो तो आपको क्या करना है, एनिमी से बिल्कुल क्लोज में रखना है अपने एम को एंड हल्का सा ट्रैक करना है, बट वहीं पे अगर आप बिल्कुल क्लोज में हो, बिल्कुल शॉर्ट रेंज में हो, तो आपको बहुत जोर से फायर करना है एंड एनिमी से थोड़ा सा दूर रखना है अपने एम को, एंड वो जो मैंने आपको ट्रिक बताया था 5-6 एमओ फायर करना, उससे ज्यादा एक बार में फायर नहीं करना है। एंड दोस्तों अगर एनिमी मूव कर रहा है रनिंग में है तो आपको कैसे फायर करना है, तब आपको करना है डायरेक्शन फायर या फिर रोटेशन फायर, जो भी बोलते हैं उसको, कुछ भी बोलते हैं, बट हमें करना है ऐसे, जिस साइड एनिमी मूव कर रहा है उस साइड हमें अपने फायर बटन को ड्रैग करना है। अब हाँ, जिस रेंज में है, मिड रेंज या फिर शॉर्ट रेंज में, उस स्पीड से आपको स्पीड भी पता चल गई, कितना ड्रैग करना है, कहाँ एम को रखना है, ये सारा कुछ आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर की, तो कुछ कैरेक्टर्स भी ऐसे हैं जो कि UMP को चलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो सबसे पहले लूना कैरेक्टर को, जो कि आपकी रेट ऑफ फायर को बढ़ा देगी। और जैसा कि मैंने आपको सदियों से बताया कि अगर किसी भी गन की रेट ऑफ फायर बढ़ जाती है, मतलब किसी भी SMG गन की रेट ऑफ फायर बढ़ जाती है, तो भाई वो उससे ज्यादा हेडशॉट और कोई गन नहीं मार सकता, वो एकदम किंग बन जाता है। इसी के साथ आप दशा कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो, तो इन कैरेक्टर्स को लेके आप अपने गन को एक एक्स्ट्रा बूस्ट दे सकते हो, जिससे कि आपका गन और भी अच्छा इजीली हेडशॉट मारेगा। आपको मैकेनिज्म पता चल गया, आपने कैरेक्टर लगा लिया। अब बात करते एक छोटी सी चीज के बारे में, जो कि एक गन स्किन। अगर आपके पास एक ऐसी गन स्किन है UMP की जिसका रेट ऑफ फायर डबल है, तो आपको कैरेक्टर से रेट ऑफ फायर मिल रहा है, गन स्किन से रेट ऑफ फायर मिल रहा है, बस भाई और क्या चाहिए जिंदगी में। बट उसके लिए आपके पास वो गन स्किन होनी भी चाहिए, डैमेज या फिर रेट ऑफ फायर दोनों प्लस अगर हो गई ना, तो आपका गन जो है वो बवाल चलेगा और UMP के किंग बन सकते हो आप। अगर आपके पास नहीं है कोई गन स्किन UMP की, तो आप लोग निकालो, और अगर उसके लिए आपको डायमंड्स चाहिए तो ये वाला वीडियो जाके देखो, इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अपने अकाउंट में बहुत सारे डायमंड्स बिल्कुल फ्री में ले सकते हो, डेली के 1000-2000 ऐसे आ जाएंगे, तो जाके देखो इसको, इस पे दबाओ। और बस आज का वीडियो यही तक था, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जाके देखो इस वीडियो को, मैं वही मिलता हूं आपसे, बाय।